पिछले 11 सालों में टीम इंडिया ने कोई भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती है। 2023 में वनडे वर्ल्ड कप को लेकर जरूर थोड़ी बहुत उम्मीदें मिली, लेकिन वो उम्मीदें भी फाइनल में जाकर टूट गई। लेकिन अब एक बार फिर से टीम इंडिया के पास में वर्ल्ड कप जीतने का मौका है। 2024 में T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए टीम इंडिया बिल्कुल तैयार है। टीम इंडिया की घोषणा भी हो चुकी है, लेकिन इस टीम में शुभम गिल को रिजर्व प्लेयर के रूप में रखा गया है और टीम में शुभम गिल को नहीं चुनने के पीछे रोहित शर्मा ने बहुत ही बड़ा कारण बताया है। तो शुभम गिल के बारे में बात करें उससे पहले आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दें। शुभम गिल जिसे इंडिया का प्रिंस कहते हैं, शुभम गिल के बारे में बात करें तो शुभम गिल ने 2023 के आईपीएल में बहुत ही कमाल का खेल दिखाया था। शुभम गिल ने आईपीएल 2023 में गुजरात के लिए 3 शतक मारे और आईपीएल के आधार पर शुभम गिल को 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में चुना गया था और पूरे देश को शुभम गिल से उम्मीद थी कि शुभम गिल आईपीएल के जैसे ही वर्ल्ड कप में भी ठीक ठाक प्रदर्शन करेंगे। लेकिन शुभम गिल ने वनडे वर्ल्ड कप में टीम को बहुत ही निराश किया। आईपीएल में जिस अहमदाबाद की पिच पर शुभम गिल 3-3 शतक मारे थे, उसी अहमदाबाद की पिच पर वर्ल्ड कप में शुभम गिल बिखर से गए। वर्ल्ड कप का फाइनल मैच भी अहमदाबाद में हुआ, लेकिन शुभम गिल वहाँ भी कुछ नहीं कर पाए। तो वनडे वर्ल्ड कप 2023 हारने की सबसे बड़ी वजह शुभम गिल को भी माना जा सकता है। और अब आईपीएल 2024 में भी गुजरात के लिए शुभम गिल ने एक बार फिर से अहमदाबाद की पिच पर चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ शतक मारा, लेकिन इस शतक मारने के बाद में फैंस ने शुभम गिल को बहुत ज्यादा ट्रोल किया और फैंस का भी कहना सही है, क्योंकि जिस पिच पर वर्ल्ड कप में शुभम गिल बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं, उसी पिच पर शुभम गिल आईपीएल में शतक पे शतक मारे जा रहे हैं। और रोहित शर्मा का शुभम गिल को रिजर्व प्लेयर में रखना बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि शुभम गिल हाल ही में बहुत ही खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं और शुभम गिल की प्ले 11 में जगह नहीं बनती है। और शुभम गिल सिर्फ आईपीएल में अच्छा खेलते हैं, इसके अलावा शुभम गिल अपनी अंतर्राष्ट्रीय टीम के लिए इन सालों में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप भी वीडियो में कमेंट जरूर करें कि शुभम गिल के बारे में रोहित शर्मा की यह सोच सही है या फिर शुभम गिल को खिलाना चाहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।